ये है हमारा जो रिहेब सेंटर है, डी एडिक्शन सेंटर है, उसका रास्ता है। और इसी में हमारा जो स्ट्रे डॉग्स है उसका भी इन लोग यहाँ में उन लोग ख्याल करता है, रखता है, इलाज कराता है। तो अभी आप ये सड़क देख सकता है, सड़क भी इतना अच्छा नहीं है, यहाँ से आना जाना होता है। तो यहाँ से हाईवे कम से कम 600 जैसे दूर होगा क्या? 600-700 कितना होगा? 8 किलोमीटर ज़्यादा है सर। हाँ, 600-700 मीटर होगा। हाँ, ऐसे होगा। हाँ, तो आप देख सकता है कि हमारा जो लोग है यहाँ, कुछ दिन का बाद ये राइट में लेफ्ट में ये सब बिल्डिंग बन जाएगा। तो हम टाउन प्लानिंग से बात कर रहा है कि ऐसे लोगों को काम यहाँ करने नहीं देना चाहिए। जैसे काम करता है तो परमिशन लेना चाहिए। तो परमिशन लेने का समय में हम रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि हमको ये सड़क कितना चौड़ा चाहिए और इसमें हमारा जो नाला जाएगा, नाला का बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल ये सर्विस लाइन भी जाएगा। तो अभी ये अभी शुरू नहीं किया, अभी राइट और लेफ्ट ये सामने तक अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी मेरा लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग तो दिखाई दे रहा है, ये भी दूर में बनाया हुआ है, और मेरा राइट साइड में कच्चा स्ट्रक्चर है, तो ये भी अभी भी हम रोक सकता है। और यहाँ कुछ एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड में, ये भी काफ़ी दूरी में बनाया गया है, और राइट साइड में भी एक दूरी में बनाया गया है। लेकिन थोड़ा आगे जाके ये राइट साइड में ये एक बहुत बड़ा वॉल बनाया हुआ है, बड़ा एक बिल्डिंग बनाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा से स्पेस तो दूसरा का कंपेयर में है, अभी भी ठीक है। तो जितना भी ईटानगर का अंदर में है, वो हमारा जो ईटानगर प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो एक्ट पास हो गया है, बिना परमिशन का स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि जो भी स्ट्रक्चर करा करता है तुरंत उनका ऊपर में नोटिस सर्व करना है, और परमिशन लेते वक्त उसमें एज पर द टाउन प्लानिंग जो मास्टर प्लान जो हमारा बन चुका है उसको हम लोग फॉलो करना चाहिए। काफ़ी अभी हम हाईवे में आ गया है, तो हाईवे में भी अभी जो फोर लेन बनने का बाद यहाँ हमने जितना इविक्शन किया है आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस है बिल्डिंग का। वहाँ में अपना बिल्डिंग का आगे में भी अब पार्किंग का स्पेस है, उसका बाद भी स्पेस रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये एक गलती होता है, तो अभी कभी घूमती होता है, कभी क्या होता है। देखो अभी ये एक्सटेंशन करके रखा हुआ है, तो ये एक्सटेंशन जो है वो एक आगे जाके जो सड़क का जो पार्किंग स्पेस को ले लेता है। अभी जो लेकी जो है आपको मॉडल विलेज से लेके निर्जुली तक, ये जो जगह जो है आपका ये है एक इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है। इंडस्ट्रियल एरिया हम लोग समझ सकता है कि यहाँ में कितना ट्रैफिक मूवमेंट होगा और कितना यहाँ में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी उसका ऊपर में हम लोग कोशिश करना है कि बिना परमिशन का कोई स्ट्रक्चर, अभी जैसे ये निकाल दिया है, ये भी सब निकल रहा है, जबकि इतना सफिशिएंट स्पेस इसमें आपका बिल्डिंग का अपना जो कस्टमर का जो गाड़ी है वो रखने का बाद भी आपको 3 गाड़ी ये 2 लेन में घूम सकता है। और ये है आप नाहरलगन पपूनाला से लेके नाहरलगन तक, फिर नाहरलगन टाउनशिप के अंदर में हमने 27 मीटर रखा। तो 27 मीटर जो रखा है वो इसलिए रखा है कि आपका कैबिनेट डिसीजन भी हुआ था। तो इसमें आपको 14 मीटर जो है हमारा जो फोर लेन है, डिवाइडर 1 मीटर रहेगा, 15 मीटर रहेगा। तो 27 जो है आप ड्रेन में, अगर सब जगह में ड्रेन नहीं लगता है, कोई एक जगह में वन साइड ड्रेन भी लगता है, कोई एक जगह में डबल लगता है, तो उसमें ये होगा उसमें ड्रेन में भी आपको 3 मीटर चलो मैक्सिमम 1.5 ड्रेन में 3 मीटर चला जाता है, तो 18 मीटर जाता है। तो हमारे पास 27 प्लस आपको 2, 9 मीटर हमारा बचता है,
देन जो 9 मीटर है हमारा ड्रेन का बाहर में, हम 3-3 मीटर छोड़ने से भी हमारा पार्किंग स्पेस होता है। और यह जो लेकी एरिया से लेके बंदर इतन नहर लगन टाउनशिप का बाहर आप देख सकता है 30 मीटर से ज़्यादा है। तो इसमें अपना जो कमर्शियल बिल्डिंग का आपका जो प्रोन में अपना जो पार्किंग स्पेस भी निकाल देगा, देखो अभी ये सब देख सकता है। और ड्रेन का बाद आपको मिनिमम आपको 6 मीटर जैसे रहता है, तो इसमें सफिशेंट पार्किंग हो जाता है। तो अभी ईटानगर में जब हमने इविक्शन करने किया था तो हमको इविक्शन करने के लिए मना कर दिया, तो हम तो इविक्शन नहीं किया। वहाँ में आपको 12 मीटर 14 मीटर 17 मीटर भी है, और इसलिए वहाँ में जो बिल्डिंग अभी दुकान का मालिक लोग भी बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहे, क्योंकि हमारा जो लोग है कस्टमर जो है वो जो है गाड़ी को पार्क करके सामान मंगाता है, तो इसलिए बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा है। लेकिन ये जो अभी मॉडल विलेज से लेके हमारे ए सेक्टर से लेकर निर्जुली बंदरद्वा तक सफिशियंट स्पेस रखा हुआ है, इसको हमारा हाईवे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि उन लोग डेली बेसिस में जो ये काम होता है उसका बाद उसका मेंटेनेंस करता है। कोई आदमी वो जितना ज़मीन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है उसको उन लोगों को ख्याल करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और देयर इज़ अ प्रोविजन इन हाईवे एक्ट एंड दे कैन बी इवेक्टेड फ्रॉम द आर ओ द लॉ। आर ओ का अंदर में जो है वो इवेक्शन कर सकता है। तो देन एंड देयर वो कुछ कंस्ट्रक्शन करने से पहले अगर उसको रोकता है तो बहुत इजी और आसान होता है। तो ये है अभी आप हम लोग इसमें ये हाईवे में हम लोग जब जा रहा है तो हम अभी आप लोगों को बताएंगे कि ये जो लेकी का जो ट्रेन स्टेशन तक जाने का जो सड़क है अभी हम लोग उस रास्ता में जाने के लिए निकल रहा है। एक बार हम यू टर्न करेंगे, यू टर्न करके हम ये लेकी जो रेलवे ब्रिज की ओर जाएंगे। तो लेकी का रेलवे ब्रिज के ओर जाने का मौका क्यों मिला, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट स्कीम का एक हिंड्रेंसेस होता है, कुछ दिक्कतें होते हैं। तो ये भी बहुत दिन से काम जो है ये रुक के बैठा था, तो इसको सरकार हमारा ऑनरेबल सीएम चीफ सेक्रेटरी दोनों इसका रिक्वायरमेंट जो है अर्जेंट रिक्वायरमेंट को लेके जीएम को अपना ऑफिस में बुला के फिर उसको पांडिंग को फिर इसको फिर से कराया। कराने का बाद ये काम शुरू हुआ। अभी ये देखो कितना अच्छा रास्ता है, अभी जो भी ईटानगर जाना चाहता है इसी रास्ता से लोग जाता है। ये है आपको रेलवे ब्रिज बोलता है लेकी का। तो काफ़ी दिक्कतें आई थी लेकिन सरकार जो है रेलवे का अथॉरिटी को बात करके ये सड़क को बहुत जल्द ही बनाने दिया। कारण ये था कि ये जो हमारा फ्लाईओवर जो बन रहा है नाहरलगन टाउनशिप का अंदर में, तो उस नाहरलगन टाउनशिप का जो दिक्कत नहीं होना है बोल के ये बाईपास रोड जैसे हो गया। इसका साथ साथ में एक है आपको सोद बस्ती का एक बाईपास बनाया गया है, तो वो बाईपास में काफ़ी दिक्कतें आए लेकिन वो भी बहुत सुंदर से ख़त्म हो गया। तो ये है अभी हमारा जो ब्रिज है, ये लेकी रेलवे ब्रिज है। शाम का समय है, आप बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ से आप लेफ्ट जाने से एक ये भी एक छोटा बाईपास है लेकिन रास्ता बहुत छोटा है, और सीधा जब जाएगा तो आपको हाईवे में निकल जाएगा जो लेकी ये हम अभी ये बाईपास में जाएंगे जो शॉर्टकट रास्ता है। तो अभी आप हम इस रास्ता में जा रहा है जो एक हाईवे में जाने से थोड़ा से दूर हो जाता है, लेकिन हम यहाँ से जब जाता है ये नदी किनार किनार होके तो हम बुरम बस्ती है। अभी ऐसे तो ये बुरम बस्ती ही है हमारा राइट साइड में,
तो ये वरुण बस्ती का ये बस्ती से निकलता है, लेकिन यहाँ में भी रास्ता एक जगह में दो जगह में थोड़ा से छोटा होने का कारण से ट्रैफिक कभी कभी जाम हो जाता है, तो इसलिए यह रिक्स लेके नहीं जाना है क्योंकि जाम हो जाने से फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अगर जाम से बचना चाहता है तो आप राइट होके और डायरेक्ट हाईवे में निकल के जा सकता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, मैंने हमेशा सभी कंस्ट्रक्शन एजेंसी को PWD UD जो भी है सभी को मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि जब रास्ता बनाता है तो रास्ता को बनाने से पहले देखो कि आप खास करके कैपिटल में इतना ट्रैफिक है तो ज़मीन का जो शॉर्ट होता है तो हमको बताना है, हम फिर उसको ज़मीन को निकाल देगा। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम कहीं हो जाता है सरकार का ड्यूटी होता है या सरकार का ये कहीं काम हो जाता है तो हम लोग को मिस करता है ना, वो लोग जानबूझ के ये करता है। तो अभी आप देखिए ये अभी हम लोग ये रास्ता का देखो अभी पूरा छोटा हो गया, वो भी गाड़ी स्लो हो गया और हम लोग भी यहाँ से अभी निकल रहा है बहुत दिक्कत का साथ। ये कोई नया ड्राइवर होने से यहाँ में कुछ लगने का भी चांस हो जाता है। तो अभी देखो ये अभी ये जगह देखो अभी एक गाड़ी आया देखो जैसे तैसे, ये तो स्मार्ट है दोनों निकल ही गया। ये जगह जहाँ हम ब्रोम निकलने करता है ये पोर्शन में अब देखिए बहुत छोटा है, यहाँ गाड़ी मिल जाता है तो बहुत इशू हो जाता है। यहाँ भी अगर आधा मीटर या एक मीटर अगर हम इसको वाइडनिंग करता है तो अभी देखो वो एक गाड़ी अच्छा बाइक आया अभी एक गाड़ी आया अभी देखो ये जगह में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज छोटा गाड़ी है चलो निकल गए हम लोग और यहाँ में ये पूरा स्ट्रेच जो एंट्री है ब्रह्म से ये एक एंट्री पॉइंट है या एग्जिट पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ लोग जो जानता है इसी रास्ता में चलने के लिए कोशिश करता है, रास्ता भी इतना ख़राब नहीं है और शॉर्टकट भी है। तो अभी हम लोग हाईवे में निकल गया ब्रोम का हाईवे, तो ये ब्रोम का हाईवे में हम लोग निकल गया। आज सुबह किसी ने हमको बोला था कि ये रास्ता ख़राब है, लेकिन देखिए रास्ता बारिश का दिन का कारण से और थोड़ा मोरा छोटा मोटा इधर ख़राब तो होगा, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हमारा जो लोग है शिकायत करने के लिए ही उन लोग जिंदा है, शिकायत करने के लिए ही पैदा हुआ है ऐसे लगता है। जो चीज़ कुछ कुछ दुनिया का कोई भी कॉर्नर में जाओ कहीं ना कहीं कमियां होता है, मेरा भी कमियां है आपका भी कमियां है। तो ज़िंदगी में इस कमियों को हम लोग कभी कभी एडजस्ट करें। देखो ये जो हमारा ये जो ब्रोम ब्रिज का जो आपका तो इस कॉर्नर में होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो लोग है सड़क का किनार में जो बिल्डिंग बनाता है उन लोगों का जो बिल्डिंग मटेरियल जो है वो सड़क पे आ जाता है बारिश का दिन में बालू गिट्टी या कोई भी, तो वो जो है इरोड करता है। तो इसलिए हमारा जो लोग है कहीं भी अरुणाचल का कोई भी कॉर्नर में बैठा है तो हमारा जो सड़क है उस सड़क को सही देखना चाहता है। तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, मुझे भी हमेशा ये बात को तो यकीन के साथ बोलना पड़ता है कि जो रास्ता ख़राब हुआ एक होता है कि नेचुरल लैंडस्लाइड होता है ख़राब होता है या ड्रेन ब्लॉक हो जाता है टाइमली उसको सफा नहीं करता है जिसका कारण से भी वो चौक हो जाता है ड्रेन रास्ता पे पानी रास्ता पे आ जाता है और जिसका कारण से वो हमारा जो सरफेस एरिया है वो ख़राब हो जाता है। आप लोग देखेगा कि बिटुमिन का तो होता ही होता है, देखो यहाँ भी लड़का अभी काम कर रहा है इसमें बालू गिट्टी इधर गिरा के काम कर रहा है, तो वो जो सामान जो है हमारा जो एक है परमानेंट जो सरफेस होता है जो कंक्रीट से बनाया जाता है ये एक टेम्प्रोरी सरफेस या फ्लेक्सीबल सरफेस बोलता है, तो इसमें बीसी बिटुमिन से जो बनाया जाता है इसमें जो जितना भी हम कैम्बर टिक टक बनाएगा सुपर एलिवेशन टिक टक करेगा फिर भी
कभी ना कभी कहीं ना कहीं पानी जो है जम होके वो पानी वहाँ में रुक जाता है। अभी देखो ये गधा जो है, अभी ये गधा का कारण वही है कि बगल में किसी ने कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल रखा है, वो बिल्डिंग मटेरियल का वजह से पानी वहाँ में स्टैग्नेंट हो जाता है, जो बराबरी से आने से और फिर इरोड हो जाता है। तो ये सभी का नॉलेज में है और सभी को पता है। तो हम लोग इतना सेल्फिश होता है, अपना काम के लिए पब्लिक रोड को पूरा डैमेज कर देता है। तो सरकार भी कितना खर्च करके वो बनाते रहेगा, ये भी सोचना चाहिए। और सरकार का पैसा तो पब्लिक का ही पैसा होता है जो सरकार चला रहा है, जैसे हम डीसी है या हमारा मंत्री लोग है, कमिश्नर सेक्रेटरी लोग है, उनका पैसा ऐसे नहीं है। पैसा जो है पब्लिक का, जो रेवेन्यू आता है, इनकम टैक्स आता है, उसका पैसा से ही ये रोड बनता है। और कहीं ना कहीं ऐसे होता है सरकार लोन लेके भी रास्ता बनाता है। तो हम लोग इस चीज़ को अगर जानता है तो हमें इसका जो प्रॉपर्टी है और उनको हम लोग सही सलामत रखने के लिए हम लोग भी कोशिश करना चाहिए। और हमारा आस पड़ोस, हम लोग का जान पहचान आदमी लोग जो इस प्रकार का रोड को डैमेज करने में तुला हुआ है, जान नोइंगली और अनोइंगली ना, तो उसको हम लोग समझाना चाहिए। और समझाने से सब कुछ ठीक होगा। और लोग आजकल तो ये ऐसे समझाने से तो उनको तो ऐसे लगता है कि गाली दिया जैसे लगता है। चलो गाली ही समझ लो, तो गाली दिया समझने से उसका माइंड में रहेगा, तो उनका माइंड में रहने से तो वो गलत काम नहीं करेगा, मेरा ये मानना है। तो इसलिए अभी हम लोग देखो अभी इस समय में ये सोध बोस्ती बोलता है, तो ये सोध बोस्ती का रास्ता में हम लोग जा रहा है। आज भी इस समय में कोई ट्रैफिक भी नहीं है, एक स्कूटर है जो हमारा आगे जा रहा है। तो अभी हम लोग ऐसे करेंगे, ये सोध बोस्ती का ये गाड़ी जो है इसको बाईपास में हम लोग जाएंगे, शायद इसमें ट्रैफिक वन वे बनाए क्या, नो एंट्री कर दिया ना। चलो अभी तो रात होने हाँ, इधर से सीधा चला जाएगा, हाँ सीधा चला जाएगा, इसमें नो एंट्री किया हुआ है। तो ये सोध बोस्ती में हम एक चीज़ दिखाना था, वो लास्ट एंड में वहाँ पे रास्ता एक बहुत ही नेरो हो गया, तो वहाँ में ट्रैफिक बहुत जाम होता है। तो मैं परसों जब यहाँ ये टीके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हमने डीएसपी साहब को बोला था कि इसको वन वे करने के लिए, तो अभी शायद उस दिन से ये वन वे करके रखा है, तो ठीक है। और ट्रैफिक जब होता है वहाँ पे एक आधा घंटा जैसे वहाँ रोकना पड़ता है, क्योंकि वो एक जगह है। तो उसके लिए भी हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसमें आधा मीटर जैसे एक 10-20 बैग सीमेंट जाएगा और वेडनिंग कर देने से तो वहाँ में भी दो गाड़ी आराम से क्रॉस कर सकता है। तो उम्मीद करता है उन्होंने मंडे, आज तो हम लोग का फ्राइडे है, हमको ए हिसाब ने जे हिसाब का दोनों ने मंडे को वो वेडनिंग कर देगा बोला है। तो जो भी उस रास्ता में जाता है, जब वेडनिंग करता है, कोऑपरेट करना है, और आसपास में जो लोग बिल्डिंग है उधर में भी स्कोप है, तो वहाँ में भी वो वेडनिंग जब करता है थोड़ा और एरिया दे देना है, क्योंकि वो रास्ता है 60 मीटर का ROW है। तो अभी हम यूपिया त्राई जंक्शन पहुँच गया है, अभी हम बहुत ही सुंदर से इस रास्ता पे चलेंगे। अभी ये नया परसों रात को कंप्लीट किया है, यहाँ में लोग बहुत परेशान होता था, उस तरफ भी गाड़ी आराम से इतना स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ में अभी आप लोग जब ड्राइव करता है, ये सिंगल एक पैसेज दिया गया है, ये सिंगल पैसेज इसलिए दिया गया है कि बीच में हमारा जो फ्लाईओवर का जो पिलर है आएंगे, तो खुदाई करने का जगह रखा हुआ है। तो अभी आप देखिए बहुत स्मूथली हम लोग जा रहा है। ये अभी हम लोग निभा हॉस्पिटल का सामने पहुँच गया है, राइट साइड में हमारा पोपूनाला जो हिल टॉप है वहाँ जाते हैं। थोड़ा से ये गधा क्यों हुआ है पता नहीं, आप उस तरफ जा रहे क्या, थोड़ा रास्ता में नहीं जा रहा है। और ये जो है ये वन वे बना के रखा है, जो भी पार्किंग यहाँ कर रहा है आप जो कारपेटेड एरिया का बाहर में कर दीजिए, क्योंकि ये छोटा एक गाड़ी जाने के लिए बनाया गया है,
तो इसलिए जब भी यहाँ इस लाइन में जब आप लोग गाड़ी पार्क करते हैं, चलो बीच में जो रख दिया है बहुत अच्छा किया है, तो गाड़ी बीच में बहुत स्पेस रखा हुआ है वहाँ भी पार्क कर सकता है, लेकिन यहाँ जो कार्पेटेड एरिया में पार्किंग मत कीजिए, क्योंकि ये कार्पेटेड एरिया में पार्किंग करने से हमको ड्राइविंग मजा नहीं रहा। अभी ये गाड़ी जो है कार्पेटेड एरिया में पार्किंग है, और ये गाड़ी जो है 0473 भी और कार्पेट एरिया में पार्किंग है, उसका बाद ये असम रजिस्ट्रेशन 8784 भी कार्पेट एरिया में पार्किंग है, जिसका कारण से वो गाड़ी उधर जा रहा है। फिर यहाँ में एक कार है, एक लड़की बैठा हुआ है, ये 9561 गाड़ी है, ये भी कार्पेटेड एरिया में, जिसका कारण से हम थोड़ा वो जहाँ कार्पेट नहीं है वहाँ से जाना होगा। तो ये सब चीज़ जो है आप देखिए, कोई भी शहर में जाओ, लोग जो है अपना एक ईमानदारी से सूझबूझ का साथ अपना गाड़ी को पार्क करना चाहिए कि ये जो कार्पेटेड एरिया है यहाँ गाड़ी चलेगी, और उनका गाड़ी को इस प्रकार रखना नहीं चाहिए। तो अभी देखिए आपको यूपिया तीन अली से लेके अभी हम ये आपको पपूनाला का जो हमारा ये ब्रिज है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गया है। ये है आपको सोद बस्ती का जाने का रास्ता है, जहाँ थोड़ा ऊपर में, तो अभी ये रास्ता को हमको वो लोग प्रोमिस किया था कि इसको भी टीके जो है क्लियर कर देगा, तो अभी तक यहाँ तक तो सफाई ठीक है, लेकिन कार्पेट नहीं किया क्या इस पर कर दिया ना? हाँ, या गदा था तो बंद कर दिया ना? ठीक है, ये जो है आपको जुली त्राई जंक्शन में बहुत गदा था, ये भी उन लोगों ने बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद टीके को भी। अभी हम लोग ये जो पप्पू नाला में जा रहा है, जो कि ऑलरेडी ये पैकेज ए के अंदर में आता है, या मैं अब देख सकता है पानी रास्ता पे है। इसका कारण क्या है कि जो हिल साइड में जो आर्ट कटिंग हुआ, काफ़ी अरेंज किया लेकिन सुनता नहीं है, तो ये भी कटिंग एक तो है, मैंने बंद करके रखा था मेरा दापो जाने के बाद, पूरा ये बन चुका है, जिसको लेके हमारा टाउन प्लानिंग की ओर से नाला को क्लियर कराया। तो अभी जितना भी आर्ट कटिंग किया है, जिसका कारण से कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज होता है, उसको भरपाई करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो इसके लिए हमारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो अभी घूम रहा है, चेक कर रहा है, और जैसे ही रिपोर्ट आता है हम ये करेंगे। तो इस तरह में ये जो हम लेजी दारू फैक्ट्री का नाम से जाना जाता है मेरा राइट साइड में, तो यहाँ में स्मार्ट सिटी का जो बास स्टैंड है वो बनाने का था, तो बहुत रेजिस्टेंट था, आरओ के अंदर था, लेकिन हमने ऑर्डर दे दिया था कि वो बास स्टैंड बनना चाहिए। अल्टीमेटली हम ये हमारा जो कम्युनिकेशन जो मॉडल है, ट्रांसपोर्टेशन का जो मॉडल है, कल को यही होगा कि हम बास सर्विस देना होगा, क्योंकि बास सर्विस सुंदर से और कंफर्टेबल से देता है तो लोग बास सर्विस में जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक में इतना फंस जाता है। तो गाड़ी अभी 10 आदमी जो गाड़ी जाता है वो लोग पूरा बास में जाने लगेंगे, तो 10 गाड़ी शॉर्ट होगा ऐसे करके। अभी यहाँ ईटानगर में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो है महीना में 1100-1200 गाड़ी रजिस्ट्रेशन होता है, आप सोच के देखिए। तो इस प्रकार का अगर हमारा जो गाड़ी इतना बढ़ते जाएगा, तो हमारा सड़क तो नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा पार्किंग स्पेस भी नहीं बढ़ रहा है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? तो अभी हम लोग जो मैनेज कर रहा है वो एक टेम्पोररी मैनेजमेंट है, तो परमानेंट मैनेजमेंट के लिए हम मास्टर प्लान में जाएंगे। तो हमारा मास्टर प्लान क्या बोल रहा है? हमारा मास्टर प्लान ये बोल रहा है कि हाँ, जैसे कि आपको ईटानगर में जो गंगा मार्केट एरिया है वहाँ पे एक राउंड अबाउट प्रपोजल भेज दिया है, और अभी हम लोग ये 6 किलो बोलता है, 6 किलो पहुँच गया है। तो ये 6 किलो का जो वेंडर्स लुक है, तो ये वेंडर्स लुक को हम जब ADM था, चीफ स्टेट ऑफिसर था, उस समय में इसको हम एक इविक्शन किया था। तो इविक्शन करने का समय में, उस समय में जो DC था, उन्होंने मुझे मीटिंग में 3 घंटा हम लोग बातचीत किया है। ये देखो अभी ये है 6 किलो का जो अभी जो यहाँ में है, उन लोगों को हम राइट साइड में
जिस दिन हम इविक्शन किया था वो राइट साइड में दिया हुआ था, और इन लोग तो जबरदस्ती दो बार बैठ गया और दोनों साइड को कब्जा कर दिया था। तो अच्छा हुआ कि ये लोग अभी नहीं है, पता नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये तो रात का 4 बजे में ये इविक्शन हुआ। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस हिसाब से सूरज उठने का बाद और सूरज नामने से पहले इविक्शन कैरी आउट करना है। तो जो भी हो उससे तो मुझे कोई ये नहीं है, कंसर्न नहीं है। तो उसमें मैं जो इविक्शन किया था तो मीटिंग में बोलने का बाद भी हमने नहीं माना, तो हमने फिर ये जिस सुबह में दिन में इविक्शन किया उन लोगों को उस तरफ दे दिया। तो एक ऑर्डर भी डीसी का साइड से, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ लोग उनको प्रेशर दिया था, तो उन लोगों ने डीसी ने एक ऑर्डर भी दिया था इविक्शन रोकने के लिए।